प्रयागराज में अतीक अशरफ की हत्या के बाद बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। मंदिर, मस्जिद, स्कूल और होटल में पुलिस महकमों की चौकसी बढ़ा दी गई है। प्रयागराज में अतीक और अशरफ को गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसी को लेकर महाराजगंज जिले के सरहदी क्षेत्र पे पुलिस और एसएसबी पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। आपको दिखा दें हम कैमरे में कि यहाँ पे पुलिस हर किसी का आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रही है। जो भी व्यक्ति नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहा है उसका बकायदे यहाँ पे जाँच पड़ताल किया जा रहा है। यहाँ तक कि एसएसबी के द्वारा डॉग स्क्वाड की भी टीम लगाई गई है जो गाड़ियों के अंदर जा करके सामानों का भी जांच कर रहा है। आपको कैमरे में दिखा सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस अपना पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है और यहाँ पे जितने भी होटल और मंदिर मस्जिद जो भी है सभी जगह पे जाकर पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। आप प्रयागराज में हुए अशरफ और अतीक को गोलीकांड के बाद प्रयागराज में एक तरफ इंटरनेट सेवा जहां बंद कर दी गई है और कई पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है, उसके बाद रात से यहां पे पेट्रोलिंग भी जारी कर दी गई है और तो और यहां पे जो पगडंडियां हैं पगडंडियों पे भी पुलिस और एसएसबी मुस्तैद दिख रही है। भारत 24 के लिए महाराजगंज से अजय जायसवाल।